बस ना है राजबाग। कार्तिक सर यहाँ पे आ जाओ थोड़ा। हाँ कार्तिक भाई इधर। कार्तिक भाई सामने सामने। कार्तिक भाई सामने एकदम। कार्तिक भाई पांडे हिल रहा है तू। समझा उसको। स्वप्निल भाई सामने। मैम थोड़ा पीछे हो जाइए। अनन्या लुक हियर। अनन्या लुक सेंटर। अनन्या फ्रंट फ्रंट फ्रंट। पैसा क्यों कर रहे हैं? तो रुका था नहीं ना, बहुत आगे निकल गया। अंडे दे रहे साइड में। भूमि 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 दास कास्टिंग है वो लगता है कि कमाल की कास्टिंग है। अनन्या भूमि क्या कहना चाहेंगे आप और किरदारों के बारे में, किरदार को लेके क्या ब्रीफ था? मेरी भी कास्टिंग अच्छी बोल दो ना सर। यकीनन यार आप तो हैं ही। कार्तिक को ही जरूरत है आपको कहने की। साथ आके फिल्म पे चार चांद लगा दिए हैं, है ना? हाँ अनन्या एकदम। आई थिंक जब पहली बार मुझे पता चला कि जूनो जब मेरे पास पति पत्नी और वो लाया था, बहुत ही मजेदार स्क्रिप्ट थी। आई थिंक जो पुरानी फिल्म है वो ऑलरेडी एक कल्ट क्लासिक है और उसके ऊपर एक मॉडर्न टेक है उस फिल्म पे। और जब मुझे पता चला अनन्या कार्तिक है फिल्म में, आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक बहुत ही फ्रेश कास्टिंग है, बहुत ही डिफरेंट है। इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो बहुत बहुत बढ़िया हैं एंड आई थिंक हम तीनों की केमिस्ट्री इन आवर ओन वे इज़ वेरी क्रैकिंग।
मुदस्सर सर हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि अब तक मैं बड़े पर्दे पे ऐसी दिखी नहीं हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मैंने कहा ओके न्यू अवतार, और मैंने बहुत सी फर्स्ट चीज़ें की है इस फिल्म में. थोड़ी बहुत झलकी आपने देखी. जैसा ये साल रहा है मेरा, उसके लिए आई थिंक जो कल्मिनेशन है पति पत्नी और वो जो वेदिका त्रिपाठी का किरदार है, इट्स द बेस्ट वे आई कुड हैव एंडेड माय ईयर. एंड बहुत ही फन फिल्ड फिल्म है, बहुत ही सेंसिबल फिल्म है एट द सेम टाइम, बहुत ही एम्पावरिंग फिल्म है टू बोथ द जेंडर्स. और आप बस हंसते खेलते इसको एक्सपीरियंस करते हैं. फैंटास्टिक गाने हैं एंड वी जस्ट हैड अ ब्लास्ट. भूषण जी, हाय, दिस इज सोहेल. भूषण जी, पति पत्नी और वो एन आइकॉनिक फिल्म एक्चुअली, और गाना भी था ठंडे ठंडे पानी से, तो ये गाना रहेगा या फिर अगर नहीं रखा है तो व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? मतलब क्या इस गाने के बारे में बताएंगे आपको? नहीं रखा है, इट्स नॉट इन द फिल्म, इट्स एन अडैप्टेशन, पर ये गुनगुनाता रहता है. बट लाइक आई सेड द फिल्म इज एक्चुअली एन अडैप्टेशन एंड इट्स जस्ट आवर वॉइस आवर दिस थिंग, सो इट्स एक्चुअली वेरी डिफरेंट एंड वी होप फिर आगे से बताइए कैसे लगी. माई क्वेश्चन कार्तिक ऑल्सो. कार्तिक हाय. यो यो सर, आपने पहली फिल्म देखी थी जो संजीव कुमार जी की थी, या फिर कभी जहन में आप शायद अगर देखी हो तो, या नहीं देखी थी तो ये फिल्म के बाद आपने सोचा था कि यू विल बी वाचिंग दैट फिल्म? सर मैंने बहुत पहले देखी थी वो फिल्म, एंड अगेन मतलब माय मॉम डैड दे हैव बीन अ फैन ऑफ यू नो पति पत्नी और वो, और वो पूरी एक जनरेशन इस कल्ट क्लासिक फिल्म के एक फैन रहे हैं. मैंने जब ये फिल्म ऑफर हुई थी तब उसके बाद ये एक डिसीजन लिया था कि मैं नहीं देखता हूँ ये फिल्म, बिकॉज इरिस्पेक्टिव वो मतलब मैं अपने एक तरीके से काम करना चाहता था इस फिल्म में, और एक नयापन अगर इस फिल्म में ला रहे थे और एक मॉडर्न टेक जिस फिल्म में लेकर आ रहे थे, तो उसमें अगर मैं वो चीज़ देखता तो वो गलती से भी मेरे सबकॉन्शियस लेवल से भी वो चीज़ ना हो, तो वो चीज़ ट्राई की है इसमें. तो आई डेंट वॉच इट अगेन, बट मैंने बहुत पहले शायद से सालों पहले फिल्म देखी थी शायद टीवी पे. That's about it. But it's a big, big opportunity. मतलब संजीव साहब वो legendary रहे हमेशा से, and this whole film पति पत्नी और वो, इसका title ही इतना strong title है कि automatically आपको पूरी film भी कहीं ना कहीं दिखती है. Same thing for Bhumi also. Like I think Vidya Sinha ji was there. And वो I don't remember. वो कौन था? हाँ रंजीता जी. हाँ. If you same question I'm asking you all. Yeah, again, I'd seen it like years ago. लेकिन जब मेरे पास जूनो फिल्म लाया तब मैंने सोचा मे बी आई शुड वॉच इट, बट देन मैंने नहीं देखी बिकॉज जैसे कार्तिक ने कहा कि एक न्यू एज टेक है ऑन द ओल्ड फिल्म, जो ये टाइप की रिलेशनशिप होती है उसका एक मॉडर्न वर्जन है. सो आई डेंट रियली फील द नेसेसिटी टू गो वॉच इट, you know, but it's a cult classic and they are fantastic actors and I really hope jitna maza tab logo ko pati patni aur wo dekh kar aaya tha ab aur bhi zyada maza hai kyunki humne to bahut maze kiye film mein. Acha Mudassar ji se ek sawal hai is side ji. Ha maine sir हाँ तो मैंने एक्चुअली पिक्चर साइन करने के बाद देखी थी क्योंकि मुझे हिंदी पिक्चरें देखने में बहुत मज़ा आता है और मुझे वो गाना आदम और हवा दोनों वो बहुत पसंद है. तो हाँ ग्लैमरस आई थिंक हमारे फिल्म में थोड़ा ज़्यादा ग्लैमर है और हाँ मुझे बहुत फ़नी लगी, पर आई थिंक हमारी फिल्म मॉडर्न वर्जन है, आज और ज़्यादा रिलेट करेंगे लोग. हाँ तो पर मुझे ओरिजिनल भी बहुत पसंद थी. हेलो भूषण. अच्छा मुदस्सर जी, मैं सवाल ये था कि पुरानी फिल्म तो सभी ने देखी क्लासिक फिल्म जी जी, जब इसका रिमेक बन रहा है तो डेफिनेटली कुछ चेंजिंग तो आपने किए होंगे, तो या फ्रेम टू फ्रेम है? जी मैं इत्तेफाक से इन्होंने वो सवाल मेरी तरफ डायरेक्ट नहीं किया, वरना उसके जवाब में मैं ये कहता कि मैंने वो फिल्म 100 मरतबा देखी है कम से कम. तो उसका दरअसल रीज़न बड़ा स्ट्रॉन्ग ये था कि जब BR साहब वो फिल्म बना रहे थे 1978 में, he was making a very bold film for 1978. हम सब ये बात जानते हैं कि फिर दौरे ज़मां बदला है, दशक पे दशक लोगों के सोचने के तरीके बदले हैं, तो वो बोल्ड फिल्म जो सन 78 के लिए
बोल्ड मानी जाती थी वो शायद 2019 में हमको उसको विद अ सर्टेन पास्ट इन माइंड देखना पड़ता। तो 2019 के लिए अगर आपको एक बोल्ड फिल्म बनानी थी और 2019 में अगर आपको पति पत्नी और वो के रिश्ते को अगर एक एक सॉर्ट ऑफ कल्मिनेशन और एक कंप्लीशन देना था टू व्यू फ्रॉम द आउटसाइड, तो जाहिर था कि उसको एक नए सिरे से लिखना पड़ता। तो ये कोशिश मेरी रही है कि मैं उस एसेंस को जो जो बी आर साहब ने उस फिल्म में कहने की कोशिश की थी उस एसेंस को बरकरार रखूं, लेकिन आज के दौर के हिसाब से उसमें कुछ एक ऐसी बातें कहूं जो आज रेलेवेंट हैं और रेलेवेंट हो गई हैं हम सब के बीच।